क्या कैनवा सीखना आसान है? कैनवा को सीखने में कितना वक्त लग सकता है? कैनवा का कोई स्कोप भी है या नहीं? अगर आप इन तमाम तर सवाल से परेशान हैं तो फिलहाल परेशान होना छोड़ दें। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, माय नेम इज मोहम्मद आकिम मुनीर एंड वेलकम टू माय चैनल। स्कोप किस चीज़ का नहीं है? हर काम में स्कोप है, बट जब आप कंसिस्टेंसी के साथ वर्क करते हैं। कैनवा उन लोगों के लिए आसान है जो सीख कर लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, और उन लोगों के लिए मुश्किल जो सिर्फ सोचों में मुबतला हैं। जितने भी डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर हैं उन तमाम सॉफ्टवेयर की निस्बत कैनवा काफ़ी हद तक आसान है। कैनवा की जो खूबी इसको सबसे अलग बनाती है वो ये है कि कैनवा के अंदर वो तमाम फंक्शंस आपको मिल जाते हैं जो बाकी सॉफ्टवेयर में एक्सटर्नल से डाउनलोड करने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल, पैक ऑफ फॉन्ट्स, इमेजेस एंड वीडियोस, ग्राफिक्स, आइकन्स एंड मैनी मोर। आज की वीडियो के अंदर हम कैनवा को बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे कि कैनवा के अंदर हमें क्या मिल जाता है। इस वीडियो के अंदर हम कैनवा को बेसिक सीखेंगे कि कैनवा के अंदर हमें क्या मिल जाता है और कैनवा की जो सेटिंग्स है उसको हमने किस तरह देखना है। यहाँ पर आपके सामने कैनवा का जो होम पेज है वो ओपन है। आप इसको होम पेज भी कह सकते हैं, आप इसको डैशबोर्ड भी कह सकते हैं, आप इसको कैनवा होम भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको जो एक क्विक सर्च बार मिल जाता है, यहाँ पर अगर आप कोई भी अपना डिज़ाइन सर्च करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप थंबनेल बनाना चाहते हैं या आप अगर लोगो बनाना चाहते हैं या कोई भी फ्लायर बनाना चाहते हैं, तो यहाँ से आप डायरेक्ट भी सर्च कर सकते हैं। डायरेक्ट सर्च करने के बाद यहाँ पर जो है आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ मिल जाती हैं। यहाँ पर आपको फॉर यू मीन के जो आप डिज़ाइन बनाएंगे, जो डिज़ाइन आपने रिसेंट डिज़ाइन बनाया होगा उस डिज़ाइन को यहाँ पर सेव किया होगा, वहाँ पर आपको जो है मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन मिल जाता है, वाइट बोर्ड एनिमेशन का है, प्रेजेंटेशन का, सोशल मीडिया। तो इस तरह जो है आप क्विक टूल यहाँ से ईजिली सेलेक्ट करके जो भी आप जिस ऑप्शन पर जाना चाहते हैं उसको ईजिली जो है सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप वीडियोज़ पर जाना चाहते हैं तो सिंपली आप इस पर क्लिक करेंगे, जितनी भी वीडियोज़ हैं यहाँ पर आपके सामने शो हो जाएंगी। उसके बाद अगर आप राइट कॉर्नर पर आएँ तो यहाँ पर आपको जो है क्रिएट अ डिज़ाइन का जो है एक बटन मिल जाता है। बाकी यहाँ पर कुछ सेटिंग है, नोटिफिकेशन है, ये डिज़ाइन में या कैनवे के अंदर बिल्कुल यूज़ नहीं होती, ना ही हमने इनको देखना होता है। यहाँ पर सिंपली आप क्या करेंगे, आप जाते हैं क्रिएट डिज़ाइन पर। अच्छा, क्रिएट डिज़ाइन के अंदर आपको कुछ डिफरेंट चीज़ें मिल जाती हैं। अगर आप डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हैं, वाइट बोर्ड है या ईमेल सिग्नेचर या यूट्यूब थंबनेल है, उसका जो साइज़ है वो कैनवा ऑटोमेटिक ही उसको फिक्स कर देता है। अगर आप अपना कस्टम साइज़ लेकर आना चाहते हैं, यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको एक ऑप्शन मिल जाता है कस्टम साइज़ का। तो सिंपली आप क्या कर सकते हैं, अगर आप कस्टम साइज़ चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका कोई कस्टम साइज़ है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं जो है 1280 करता हूँ, यहाँ पर जो है मैं 720 कर देता हूँ, तो अगर मुझे इसका एक डिज़ाइन चाहिए तो सिंपली मैं क्या करूँगा, मैं क्रिएट न्यू डिज़ाइन पर चला जाऊँगा। तो यहाँ पर आपके पास फॉर यू के बाद जितने भी रिसेंट डिज़ाइन जो आपने सेव किए होंगे या जो आपने रिसेंटली यूज़ किए होंगे यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर डिज़ाइन स्पॉटलाइट है। डिज़ाइन स्पॉटलाइट के बारे में मैं अपनी लास्ट वीडियो के अंदर बता चुका हूँ, यहाँ के अंदर जो है वीडियो एडिटर मिल जाता है, यूट्यूब वीडियो एडिटिंग है, फोटो एडिटर है, ये जितने भी ऑप्शंस हैं हम इनको कैनवा के अंदर बिल्कुल डीपली पढ़ेंगे और बिल्कुल शॉर्ट वे में पढ़ेंगे। आपका टाइम ज़ाया नहीं करूँगा, जो टू द पॉइंट होगा वही मैं आपको सिखाऊँगा ताकि आप कैनवा को सीखकर बहुत कुछ जो है कैनवा से हासिल कर सकें। उसके बाद यहाँ पर आपको एक बार मिल जाती है, यहाँ पर होम का बटन है, प्रोजेक्ट्स का है या टेम्पलेट्स का है। तो अगर आप इस बार को हाइड करना चाहते हैं तो सिंपली क्या कर सकते हैं, आप जो है मेन्यू बार पर जा सकते हैं, इसको हाइड भी कर सकते हैं, लेकिन ये जो है शो ही रहे तो बेहतर है। तो ये थी आज की वीडियो, एक शॉर्ट सी वीडियो थी, सिर्फ आपको समझाने का मकसद था कि कैनवा के अंदर हमें बेसिक चीज़ें क्या मिल जाती है। बाकी हमारी जितनी भी वीडियोज़ आएंगी उनके अंदर हम तमाम ऑप्शन को डीपली ही चेक करेंगे। अगर हम वीडियो एडिटिंग करते हैं या हम लोगो बनाते हैं या पोस्टर बनाते हैं या फ्लायर्स बनाते हैं,
इन तमाम ऑप्शंस को हम अगली वीडियो में जो है बिल्कुल डीपली देखेंगे और जो है बिल्कुल शॉर्ट वे में और अच्छे तरीके से हम इन चीज़ों को देखेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें, दुआएं लेते रहें और दुआएं देते रहें। आप जानते हैं कि कैनवा कितना इम्पोर्टेंट है, अगर आप नहीं जानते तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो की मदद से आप कैनवा की इम्पोर्टेंस को जान सकते हैं।